हमेशा की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका अंदाजा शायद विपक्ष ने भी नहीं लगाया होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी इस बार बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस खुलासे से न सिर्फ जनता को ताज्जुब हुआ बल्कि विपक्षी भी हैरान रह गए। विपक्षियों ने बनारस में नरेंद्र मोदी को हराने की पूरी रणनीति बना ली थी, परंतु हर बार की तरह मोदी जी ने दिखाया कुछ और किया कुछ और। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, जिसके लिए हर चुनावी पार्टी नई नई चुनावी रणनीति बना रही है। कहीं पर नए गठबंधन करने की तैयारी की जा रही है तो कहीं पुराने साथी अलग हो रहे हैं। विपक्ष हर दांव पेच खेल भाजपा को तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन भाजपा भी अभी उन्हीं राजनीतिक पैंच से उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बनारस और वडोदरा से चुनाव लड़ा था, जो कि उनके लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ। लेकिन इस बार 2019 का चुनाव वो बनारस के बजाय हरिद्वार से लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यदि हरिद्वार से जीतते हैं तो देश विदेश के पर्यटक भारत की तरफ केंद्रित हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आई है। अगर मोदी जी वहां से जीतते हैं तो वहां पर प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे। मोदी जी ने बनारस से चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने बनारस का विकास किया और अब मोदी जी ने बनारस को एक स्मार्ट सिटी बना दिया है और अब मोदी जी बनारस को एक स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे यदि हरिद्वार में मोदी जी जीतते हैं तो वे हरिद्वार का डेवलपमेंट भी करेंगे, साथ ही उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। मोदी जी जब भी कुछ नया करते हैं तो उसके पीछे लंबा प्लान बनाकर रखते हैं और उसका संबंध विकास से जुड़ा होता है, क्योंकि पहले ऐसी सरकार आई थी जिसका विकास से कोई मतलब नहीं था, उनका सिर्फ देश पर राज करने का रहता था, इसीलिए भारत अभी तक पिछड़ा हुआ था। मोदी जी का कहना है कि विकास के ये सपने साकार हो ताकि गरीब की जिंदगी में बदलाव आने का अवसर मिल सके। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूँ भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गरीबी में पैदा हूँ। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है और डगर डगर पर अनुभव करके आए। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने पीड़ा उठाया। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा हो सके। जैसे हर गरीब अपनी संतान को अपनी विरासत में गरीबी नहीं दे सकता, हर गरीब अपनी पीढ़ी के लिए जो सपना देखता है वही सपना मोदी जी और मोदी सरकार का देश के प्रति है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज।